डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी के हैं, मुंगेर यूनिवर्सिटी के हैं, पटना यूनिवर्सिटी के हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे से बच्चे पूछते हैं, थ्योरी में कितना पेज लिखे। कोई कहता है 25 पेज लिखना चाहिए, कोई कहता है 20 पेज लिखना चाहिए। आइए आखिर व्यक्तिगत ओपिनियन जो लोगों से जुटाया मैंने, जो लोग कॉपी चेक करते हैं, उन लोगों की जानकारी के अनुसार क्या होना चाहिए है। तो आज इस बात को बोले कि देखिए, फिर उन्होंने उन लोगों ने साफ साफ मुझे बताया जो लोग कॉपी चेक करते रहे, अधिकांश लोगों से मिले, बोले उन्होंने कहा कि देखिए नंबर ऑफ पेजेस से ज्यादा जरूरी है कि क्वालिटी कैसे मेंटेन करें। क्वेश्चन में आंसर में आपका क्वालिटी होना होगा, गुणवत्ता जिसको बोलते हैं। तो क्वालिटी कैसे बढ़ सकता है, है? तो आइए सिर्फ 4 पॉइंट को हम लोग ध्यान में लेंगे जो उन लोगों ने मुझे बताया। सबसे पहला, प्रेजेंटेशन। आप कितना अच्छा प्रेजेंट करते हैं, साफ सुथरा होना चाहिए, क्लियर, अगर लाइनिंग की जरूरत है लाइनिंग होनी चाहिए, पॉइंट साफ साफ लिखें। कोई जरूरी नहीं है कि आप हाइलाइटर इस्तेमाल करें, दो अलग अलग कलर के पेन इस्तेमाल करें, ये जरूरत नहीं है, साफ सुथरा होना चाहिए एकदम। एक चीज जो अट्रैक्ट करता हो वो प्रेजेंटेशन है। दूसरा, विजिबिलिटी। लोगों ने मुझे बताया कि भैया ऐसा ऐसा कॉपी मिल जाता है जो पढ़ने में दिक्कत होती है, तो क्या करते हैं, एक कुछ मार्क्स बैठा दिया जैसे को वो ना कहे। अरे तो आपके क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, आपके आंसर को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो विजिबल नहीं था, वो दिख नहीं रहा था उसको अच्छे से, तो थोड़ा बड़ा लेटर लिखे, विजिबल होना चाहिए। आपकी जैसे भी हैंडराइटिंग है उससे मायने नहीं रखता है, दिखना चाहिए उसको, ठीक है। अब तीसरा, अटेम्प्ट स्कोरिंग क्वेश्चन। स्कोरिंग क्वेश्चन का मतलब है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हाई स्कोरिंग होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं रूटीन क्वेश्चन होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल दें, व्हाट इज ऑडिटिंग, टेक व्हाट आर इंपॉर्टेंस इट, ये ऑडिटिंग क्या है, अंकेक्षण क्या है, इसके क्या महत्व है, या बिजनेस लॉ के लीजिए संनियम किसे कहते हैं, संनियम का क्या महत्व है, व्हाट इज लॉ, मर्केंटाइल लॉ, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, ऐसे ये रूटीन क्वेश्चन हर कोई लिख रहा है, तो आप में अलग क्या रहा, तो आपको अलग मार्क्स क्या मिलेगा। एक मैं एक सिद्धांत बनाइए, शुरू के 2 या 3 क्वेश्चन तभी लिखेंगे जब हमको कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। आपको 10 क्वेश्चन छपा हुआ होगा, शुरू के 3 क्वेश्चन अगर अल्टरनेटिव देता है, शुरू के 3 क्वेश्चन भूल के 7 में से ही 5 का आंसर कीजिए, करेक्ट तरीका। नए तरीके से देखिए, नए युग के लोग हैं आप लोग। लास्ट, मस्ट अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना जरूरी है। आप सुनते होंगे दोस्त लोग बोलते हैं, सीनियर बोलते हैं, 4.5 लिखे हैं, आधा मुझे बना कर लिखना पड़ा। क्यों? तो वो आधा बना के लिखना पड़ा तो उसने बना के मार्क्स दिया, करेक्ट। सो क्या दिक्कत क्या है, वो पेज पुराने के चक्कर में, 25 पेज 30 पेज पूरा करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया भैया, लास्ट वाला क्वेश्चन के लिए समय नहीं मिला, किसी तरीके से लिख दिया, तो आपके 4 क्वेश्चन का ही ना आंसर देगा। इस वजह से इस 4 पॉइंट को ध्यान में रखें। पहला, ठीक है, निश्चित प्रेजेंटेशन। दूसरा, विजिबिलिटी। तीसरा, निश्चित रूप से अटेम्प्ट स्कोरिंग क्वेश्चन ओनली। एंड फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 5 क्वेश्चंस मस्ट बी अटेम्प्टेड। कमेंट में जाकर बताइएगा, एक एग्जामिनेशन के लिए ट्रायल बेसिस पर लीजिए, निश्चित रूप से आपकी स्कोरिंग बढ़ जाएगी। थैंक यू।